व्यक्तित्व के निर्माण का, सौंदर्य का एक महत्वपूर्ण अंग होता है हमारा सुंदर मस्तिष्क, स्वस्थ चिंतन, नई नई कल्पना, नया सृजन, नया निर्माण, सारे कहाँ से आते हैं? हमारे मस्तिष्क से आते हैं। लोग कहते हैं कि आचार्य तुलसी बहुत सुंदर थे, मैं भी मानता हूँ सुंदर थे, पर उनसे भी अधिक सुंदर लोगों को मैंने देखा। बहुत लोग सुंदर हैं। काकेशस में जाओ, रूस का एक प्रदेश है जो काकेशस, बहुत सौंदर्य मिलेगा। कश्मीर में जाओ, सौंदर्य मिलेगा, पर कोई उनको याद नहीं करता, कोई उनके पास नहीं जाता, कोई पूछता नहीं है। आचार्य तुलसी के पास तो लाखों लाखों व्यक्ति आते, झूम जाते थे। कारण उनका मस्तिष्क सुंदर था, इतना कल्पनाशील, इतना सृजनात्मक और रचनात्मक, और इतना स्वप्न दृष्टा मस्तिष्क था कि नए नए स्वप्न देखता था। जो व्यक्ति नई कल्पना करना नहीं जानता, नया सपना लेना नहीं जानता और नया कोई निर्माण करना नहीं जानता, वह कभी इस दुनिया में सुंदर नहीं हो सकता। तो अगर कोई मुझे पूछे कि भवन सुंदर बना है, सौंदर्य है, तो यह सौंदर्य नहीं है। सौंदर्य तो उन कलाकारों को है जिनके मस्तिष्क में कल्पना थी ऐसा बनाना है, जिनके मस्तिष्क में भावना थी और जिनके मस्तिष्क में श्रद्धा थी और श्रम लगा, तब भवन सुंदर बन गया। अगर कोरे ईंट पत्थर चूना खड़ा करते तो ऐसा होता है कि रात को कोई देखे तो डर जाए कि कहीं भूत आकर खड़ा हो गया। सौंदर्य दिया है हमारे मस्तिष्क ने, इसलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा निर्माण में मस्तिष्क का मूल्यांकन करें और व्यक्तित्व निर्माण में भी मस्तिष्क का मूल्यांकन करें कि सुंदर बनाने वाले का मस्तिष्क कैसा है और सुंदर बनने वाले का मस्तिष्क कैसा है। दोनों ओर ध्यान दें।